गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और प्रॉफिटेबल होंगे। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कि निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है, निफ्टी वेब थर्ड के अंदर में चल रहा है और वेब थर्ड का जो मिनिमम टारगेट है वो 26,300 है। तो यहाँ से हमें 26,300 से लेकर 28,600 तक का लेवल रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है निफ्टी के अंदर। इट मीन्स कि निफ्टी में अगर कोई भी डिप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो वहां पे हमारे लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, ना कि यहाँ पे हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। मैं ये पोजिशनल बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के अंदर मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं जहां पे आप 20, 25, 30 पॉइंट के लिए शॉर्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग भी कर सकते हैं। बट एक ओवरऑल अगर सेंटीमेंट की बात करें, ये मार्केट बाय ऑन डिप का है, काफी स्ट्रांग है। आपको गैप अप देखने को मिलेगा क्योंकि वेव थर्ड के अंदर गैप अप बनते जाते हैं, तो ये गैप अप बनेगा। इसके बाद फिर ऐसे ही मार्केट कंसोलिडेट किया, मान लीजिए कल फिर ये गैप अप खुला, इसके बाद गैप अप खुलने के बाद फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल जाएगा या फिर वापस से कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो कुछ इसी टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ एक रेंज आपको देखेगा नीचे में और ऊपर में, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो यहां पे हमें वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे में यहां पे भी लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो। इन केस अगर निफ्टी नीचे आता है, निफ्टी नीचे आने के बाद कोई भी सपोर्ट जैसे 24,060, 24,050 बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर नीचे आने के बाद इधर कहीं डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो डबल बॉटम के ब्रेकआउट पे भी इसको लॉन्ग किया जा सकता है स्विंग के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 1:2 के लिए इंट्राडे में ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ हमने ऐसा ही डिस्कस किया था कि हमारा जो टारगेट है वो 54,000 का इंटैक्ट है जो आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद मार्केट सारा दिन साइडवेज चला गया। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर मान लीजिए ब्रेकआउट होता है रीटेस्ट करके फिर वापस निकलता है प्राइस एक्शन बना के, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इंट्राडे में बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं, ये स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 1:2 के लिए हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा और ये जो हमारा टारगेट है 54,000 का, ये इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी कोशिश करेगा कि 161% के लेवल को ये रीटेस्ट करे। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो मल्टीपल स्टॉक्स है, कल हमने डिस्कस किया था बंसाली इंजीनियरिंग। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे हम इसको लॉन्ग करके चलेंगे, जो टारगेट है 140.50 का, ये टारगेट हिट होता हुआ दिखा। हमने TCS बाई की बात किया था कि TCS में अगर हमें कोई भी डिप मिलेगा तो हम एक्यूमुलेट करके चलेंगे। यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद TCS में हमें लगभग 4400 का टारगेट रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है, और इसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है और वीडियो भी मैंने कल के वीडियो के एंड स्क्रीन में डाला हुआ था। इसके बाद यहाँ पे आप मधुसूदन मसाला देख सकते हैं, इसका भी टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है। अपोलो टायर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, यह अपोलो हॉस्पिटल है। तो अगर हम कल के लिए बात करें तो कल के लिए एम्फासिस काफी अच्छा लग रहा है चार्ट पे, काफी लोअर लेवल से ऑलरेडी मैंने इसको बाई यहाँ पे वीडियो में शेयर किया हुआ है और काफी अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा अगर आपने बाई किया है तो। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इस जगह से मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लेके हमें सेलिंग देखने को मिला और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो दो सिनेरियो बनता है। या तो यहाँ पे एक डिप देगा तो हम लॉन्ग करके चलेंगे, जो टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 2895 का, तो हम इसको स्विंग ट्रेड के लिए बाई कर सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम में हमें यहाँ पे 2895 का टारगेट रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें DLF, DLF में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है बनना। तो अगर मान लीजिए कल ये इसके ऊपर निकलता है 844-45 के ऊपर ट्रेड करता है यहाँ पे, इसके बाद अगर हमें कोई डिप मिलता है तो इसको भी हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। DLF में हमें 893 का टारगेट यहाँ पे रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें पीरामल इंटरप्राइज, लोअर लेवल पे दिया हुआ है, ऑलरेडी आपके पास पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अगर होगा तो आप प्रॉफिटेबल, नहीं तो अगर मान लीजिए कल हमें कोई भी डिप यहाँ पे भी मिलता है तो ये भी स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम में चल रहा है, कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर फ्लो के पैटर्न में ये चल रहा है। मोमेंटम करने के बाद आपको यहाँ एक करेक्शन देखने को मिलेगा, देन आफ्टर ब्रेकआउट फिर वापस से सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसका ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो कोई भी डिप मिलता है इसको लॉन्ग करके चलेंगे। शॉर्ट टर्म में हमें 969 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर कल शेयर किया था, काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, तो टाटा कंज्यूमर को भी हम यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जो हमारा टारगेट है पोजिशनली 1330 रुपीज का इंटैक्ट है, ये भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग बैट के लिए अपोलो हॉस्पिटल को देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली लाइक मोमेंटम में था, देन आफ्टर हमें यहाँ एक करेक्शन देखने को मिला और प्राइस यहाँ से वापस से सपोर्ट लेके सेम एरिया से बाउंस कर रहा है। अगर देखेंगे तो लास्ट टाइम हमें यहीं से ब्रेकआउट देखने को मिला था और यहीं ब्रेकआउट को ये रीटेस्ट करके बाउंस कर रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट होता तो लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसे स्विंग लो का रखेंगे। ट्रेडिंग पोजिशन होगा, पहला टारगेट हम यहाँ के लिए प्लान करेंगे, ये लेवल आने के बाद हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो इस स्विंग हाई का होगा। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।